राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधा अष्टमी के पर्व को बेहद उत्साह एवं उमंग से मनाया जाता है। राधा अष्टमी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। हिंदू पंचांग में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी पड़ती है। यह तिथि राधा जी के भक्तों के साथ साथ भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए भी बहुत मायने रखती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। आज भी लोग उनके पवित्र प्रेम को की मिसाल देते हैं। शायद इसी कारण से ये सहयोग बना कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और ठीक 15 दिन बाद इसी माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाते हैं। कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा संग कृष्ण की पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाती है। इस साल राधा अष्टमी शनिवार यानी आज के दिन 23 सितंबर को मनाई जाएगी। आप तमाम महिलाओं से अनुरोध है कि इस दिन व्रत जरूर रखें। इस दिन व्रत रखने से बच्चों की लंबी आयु होती है और अपने सौभाग्य जो होते हैं पति, उनकी भी उम्र बढ़ती है। तो आप लोग इस दिन कृष्ण और राधा के जो मूर्ति है इसकी विशेष पूजा करें आज के दिन, तो आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। हमेशा हर मनोकामना पूर्ण होगी और राधा श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।